भारत अमेरिका के बीच कारोबारी रिश्तों को नई ऊंचाई देने में ऊर्जा अहम कारक है। रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के जरिए दोनों देश ऊर्जा जरूरतों का लक्ष्य साझा तरीके से पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऊर्जा के परंपरागत साधनों से प्रदूषण रहित ऊर्जा की और बढ़ने की भारत की प्रतिबद्धता से दोनों देशों के संबंध नया मुकाम हासिल करेंगे। भारत का मानना है कि ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में काफी मदद मिल सकती है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत में ऊर्जा क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं के बारे में अमेरिकी कंपनियों को अवगत कराने के साथ ही उन्हें निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। 15 साल में 4.5% बढ़ेगी ऊर्जा खपत। सूत्रों की माने तो भारत में अगले 15 वर्षों में 4.5% के आसपास की दर से ऊर्जा खपत बढ़ेगी। अगले 20 वर्षों के लिए एक अनुमान के मुताबिक विश्व भर में ऊर्जा खपत का करीब 10-11% तक भारत में खर्च हो सकता है। इस लिहाज से भारत में ऊर्जा का एक बड़ा बाजार है। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक व नवीनीकृत ऊर्जा क्षेत्र सबसे बड़ा जरिया हो सकता है। 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य। भारत ने 2022 तक करीब 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। इसमें सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 100 गीगावाट तय की गई है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है। सूत्रों ने कहा कि भारत और अमेरिका ने 2017 में ऊर्जा क्षेत्र में हुए रणनीतिक समझौते के बाद से लंबी छलांग लगाई है। दोनों देश ऊर्जा सहयोग के लिए मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। कई अमेरिकी कंपनियों ने भारत में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई है।